वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक क्विक मशरूम स्टर फ्राई की रेसिपी। झटपट बनती है, बहुत ही लजीज है खाने में। फटाफट देखते हैं इसकी रेसिपी, पर उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो टाइम है कि जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मशरूम स्टर फ्राई के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम मशरूम, जिसको मैंने क्वार्टर करके काट लिया है। आधी कप मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन या हरा प्याज, एक प्याज स्लाइस किया हुआ, एक टमाटर मैंने क्यूब्स में कट किया है, 7-8 लहसुन की कलियां रफली चॉप कर ली है, एक हरी मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स स्वाद अनुसार, ऑप्शनल है, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच तेल, मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया, आप कोई भी रेगुलर ऑयल ले सकते हैं, और थोड़ा सा बटर। अगेन बटर आप अपनी टेस्ट के अनुसार ज्यादा भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए 1-1.5 चम्मच नींबू का रस। तो सबसे पहले पैन में तेल और बटर डाल देंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम हमारे काटे हुए मशरूम्स। अगर आपको बटर ज्यादा पसंद है तो आप बटर की क्वांटिटी ज्यादा डाल सकते हो। मैंने इसको लो ऑयल लो बटर रखने की कोशिश की है। अब हम इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे इसमें, और उसके बाद हमने डालने हैं इसमें हमारा काटा हुआ लहसुन और डाल देंगे इसमें हम हरी मिर्च, और फिर से हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे क्योंकि मशरूम की थोड़ी सी पानी छोड़ने की टेंडेंसी होती है, इसलिए फ्लेम बहुत लो नहीं करेंगे, मीडियम टू हाई। अब डाल देंगे हमारा कटा हुआ प्याज और हरा प्याज भी। और फिर से हमें इसको भुनना है। नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स, आप तीखा ज्यादा पसंद करते हो तो ज्यादा, कम पसंद करते हो तो कम। और इसको हमने फिर से थोड़ा सा भुनना है। और अब डाल देंगे हमारे कटे हुए टमाटर। अब इसको मिक्स करके हम ढक कर 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद हम इसको खोलकर इसमें डाल देंगे नींबू का रस और एक अच्छी से मिक्स देनी है हमें। हो गया हमारा मशरूम स्टर फ्राई सर्व करने को बिल्कुल तैयार। गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।